हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी एंड बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस और इकोलॉजी क्या है और इन दोनों का कनेक्शन कैसा है। ये पूरा वीडियो सीरीज चलेगा बिकॉज एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करना बहुत लेंदी हो जाएगा। मेरे लिए आसान है बट आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि एक ही वक्त एक ही वीडियो देखना है, और अगर पॉज करके देखना है तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे पॉज हुआ है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ तक आपने देखा है, कितने मिनट में देखा है। सो फॉर योर कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, मैंने टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है और उस हिसाब से अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। बस आपको यही करना है, एक बार वीडियो प्ले हुआ तो आखिरी तक देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझा तो फिर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा और उसके बाद नोट्स बनाइएगा ताकि फिर कभी आपको ये वीडियो देखने ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोलॉजी एंड बिजनेस की। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशंस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, वो कुछ लोगों के रिलेशंस के ऊपर है। किन लोगों के रिलेशंस पे है? दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। इन तीनों का जो साइंटिफिक स्टडी होता है, इन तीनों के रिलेशंस का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है एंड देन नेचुरल एनवायरनमेंट की भी बात हो रही है। इकोलॉजी एंड बिजनेस हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इनफैक्ट बिजनेस एक्टिविटीज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी। इकोलॉजी एंड बिजनेस जो है एक बहुत ही गहरा और नज़दीकी रिलेशन बनता है। बिजनेस एक्टिविटी में इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट। सो ये एक एनवायरनमेंट है, एग्रीगेट करता है सारे कंडीशंस को, कलेक्ट करता है, गैदर करता है सारे इवेंट्स को, इन्फ्लुएंस करता है उनके सराउंडिंग को और इफेक्ट करता है। सो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट योर एटमोसफियर। ओवरऑल आपका जो सिचुएशन है, कंडीशंस है, कौन से सिचुएशन या इवेंट्स में आप हो, कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो या फिर सोशल इन्फ्लुएंस हो या फिर इंडिविजुअल ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस एंड हैव इन्फ्लुएंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली दो एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का, एक इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पे जब प्योरली बिजनेस एनवायरनमेंट इन्होंने कहा है, ये एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल है। ठीक है, दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, एक बिजनेस के बाहरी चीज़ का है और वो इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए, आपके एनवायरनमेंट पे आपका बिजनेस डिपेंड नहीं करता, आपके बिजनेस पे आपका एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर्गर, तो बर्गर मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, वो बिजनेस का प्रॉपर एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है वो। लेकिन आप जहाँ उस मशीन के पास खड़े रहते हो एज एन एम्प्लॉय लेबर, आपका मन नहीं कर रहा, दैट इज इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। सो आई डोंट हैव एनी विलिंगनेस और विश टू वर्क टुडे, बट स्टिल मैं जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ वहाँ पर। सो बिजनेस एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड इंडिविजुअल एनवायरनमेंट तीनों अलग अलग है। इंडिविजुअल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द बिजनेस। एनवायरनमेंट इश्यूज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब आप पोल्यूशंस के बारे में बात करोगे, इश्यूज के बारे में बात करोगे एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो बहुत ही कम इश्यूज है। बट इश्यूज इतने गहरे हैं कि उसे सॉल्व करते करते आपकी कम से कम 15-20 पीढ़ी निकल जाए। जैसे कि एयर पोल्यूशन है, क्या हम हमारे पूरे लाइफ टाइम में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं?
करने के चांसेस थे, बट अभी हम सभी के घर में एक टू व्हीलर है, मोटर व्हीकल, या तो एटलीस्ट एक फोर व्हीलर है, मोटर व्हीकल, फोर व्हीलर मोटर व्हीकल, या फिर थ्री व्हीलर है। ठीक है, अब ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना स्कूटर है, ना कार है, ना टू व्हीलर है, ना थ्री व्हीलर है, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करते थे, हो गया है अभी, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, इंडिविजुअल कार्स ऑन रेंट प्रोवाइड करना चालू किया, जैसे ओला हो गए, उबर हो गया। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, अब आपके पास गाड़ी नहीं है बट आपको लंबा समय और सफर करना है तो आप हमारे गाड़ी को बुक कीजिए और रेंटल पे ले लीजिए ड्राइवर के साथ। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने वाले थे अब वो भी प्राइवेट व्हीकल में आ गए। तो मुश्किल है थोड़ा सा एयर पोल्यूशन इस जमाने में कंट्रोल करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, बट बहुत ही जल्दी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो रेमेडीज करना है, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स यूज करना है हमें, बेटर फ्यूल एंड प्रोसेस को यूज करना है। ठीक है, सो ये एयर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, एयर पोल्यूशन इज द मेजर थिंग। अब एयर पोल्यूशन के साथ ये भी डिपेंडेंट है वाटर पोल्यूशन। देखिए, लैंड पोल्यूशन जब होता है तो उसमें वाटर मिल ही जाता है, बट जब बारिश होती है, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप क्या कीजिए, एक ग्लास है, ग्लास ग्लास में पानी भरिए और अपने विंडो में रख दीजिए, एक घंटे बाद आफ्टर एन आवर देखिए वो पानी कितना क्लीन है और कितना नहीं, बिकॉज एयर पोल्यूशन है, एयर में पोल्यूशन है और एयर जो है उसके ऊपर बैठा जाता रहता है। जैसे जैसे वो पोल्यूशन लेवल कम होता है या फिर हवा कम होती है, तो वो जो पार्टिकल्स है हवा में वो हमारे पानी में बैठ जाता है। जब एक ग्लास में इतना धूल मिट्टी हो सकता है तो हमारे नदी किनारे, समुंदर, डैम, इनमें कितना होगा, राइट। देन नेक्स्ट इज, अब रेमेडी करना है सीईटीपी, ईटीपी, वो इन डिटेल बाद में बताएंगे। नॉइस पोल्यूशन रेमेडीज, साउंड प्रूफ फैक्ट्री, इंसुलेशन, नॉइस पोल्यूशन के लिए साउंड प्रूफ फैक्ट्रीज हमें इंसुलेट करना है। गार्बेज डिस्पोजल एंड सैनिटाइजेशन का हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है। पोल्यूशन व्हाइल ट्रांसपोर्ट वो कम करना है। डिस्बर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, डिस्बर्स ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट, डिस्बर्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, यूज ऑफ प्लास्टिक, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ये दिखने में नौ है बट ना कि नौ आते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में हमारी नानी याद आएगी इन सारी चीज़ों को लेकर बैठोगे तो। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर ऑलरेडी कर दिया है तो अपने दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें और सर को अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी, बाय बाय।